खबर बाराबंकी जनपद से जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली टिकाय तनगर पुलिस ने दो साथ लुटेरों को धर दबोचा। लुटेरों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, मोटरसाइकिलों सहित लगभग 6 लाख का सामान बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली टिकाय तनगर निवासी सराफा व्यापारी सुरेश जैन की दुकान से बीते दिनों सात लुटेरों ने सोने चांदी से भरा बैग लूट कर फरार हो गए थे, जिसको तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक दर्शनी मनोज कुमार दुबे व क्षेत्राधिकारी पंकज सिंह के नेतृत्व में गठित स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से टिकैत नगर पुलिस ने सात लुटेरे ऋषु वर्मा पुत्र राम प्रताप वर्मा निवासी ग्राम सेवड़ा थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी व उत्कर्ष कुमार वर्मा पुत्र अनिल वर्मा निवासी ग्राम सराय गोंदौली थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को सोने चांदी के आभूषण सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो वही घटना का खुलासा करने पर टिकैत नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जैन ने पुलिस अधीक्षक जमुना प्रसाद को फूलमाला पहनाकर वांग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर टिकैत नगर प्रभारी निरीक्षक नारद मुनि सिंह, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव, सौम्य कुमार जायसवाल, विजय कुमार सुखीपुर, चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह, बारिनबाग चौकी प्रभारी नंद होसिया यादव, कांस्टेबल सूरज यादव सहित पूरी पुलिस टीम मौजूद रही। टिकैत नगर थाना क्षेत्र में हमारे एक व्यापारी साथी थे सुरेश चंद जैन, और वो अपना सामान लेकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे दुकान बंद करके शाम के समय, और 24 तारीख को उनके साथ कुछ लोगों ने लूट कर ली, उनका बैग छीन करके भाग गए। और इसमें थाना टिकैत नगर में मुकदमा लिखा गया, 25/21 धारा 392 का लूट का मुकदमा लिखा गया, और इसमें हमारे एडिशनल एसपी साउथ और जो सीओ टिकैत नगर हैं उनके पर्यवेक्षण में टीमें बनाई गई, जिसमें हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और हमारी थाना टिकैत नगर की टीमें लगाई गई। तत्काल इसमें कई सारे टीमें बना करके इसको प्राथमिकता पे लेते हुए इस कार्रवाई सुनिश्चित की गई इसमें, और इसमें जब पूरी टीम लगी और मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस और आज सभी तथ्यों पे गहन जब जांच की गई, तो इसमें दो साथी लुटेरे रीसू वर्मा और उत्कर्ष वर्मा इसमें प्रकाश में आए, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से जो लूट का सामान था वो बरामद किया गया है। टोटल ज्वेलरी जो लूटी गई थी वो 100% रिकवरी हुई है। उसकी कीमत लगभग जो सोने चांदी के ज्वेरात हैं वो लगभग 6 लाख रुपए कीमत है उनकी, और इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हुई है। इसके बाद इसमें पूरा घटनाक्रम जब गहन पूछताछ किया गया तो निकल के आया कि जो अभियुक्त ऋषु वर्मा है इसमें वो वहीं पे एक पद्मावती ज्वेलर्स है टिकैत नगर में, जिसके मालिक शैलेंद्र जैन जी हैं, उनके यहाँ से 6-7 साल से काम कर रहा था, और उसके बाद वो एक अपने कस्बे में एक लड़की से प्यार करने लगा। इसी प्यार के दौरान वो उससे शादी करना चाहता था। इसमें उसने अपने मालिक जो शैलेंद्र जैन है उनसे रुपए की डिमांड की थी कि आप मुझे पैसे दे दीजिए और कुछ ज्वेलरी दे दीजिए, जिसका मैं कुछ जो हमारा काम करता हूँ उसके वेतन से कटौती हो जाएगी और कुछ जो यहाँ पे नगद है वो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम बढ़िया तरीके से काम तो करते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी सहयोग नहीं दूंगा। इसी क्रम में जब उसको लगा कि अब उसको शादी के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर उसने किसी भी तरीके से शादी करने के लिए लूट करने का एक प्रोग्राम बनाया। लूट करने के लिए उसने अपने बुआ के लड़के को भी इसमें शामिल किया, चूंकि वो मोटरसाइकिल चलाने में माहिर था और अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल चलाता था, तो उसको भी इस प्रोग्राम में उसने शामिल किया कि हम दोनों मिलके किसी ज्वेलर को लूट लेते हैं और जिसे पैसे मिलेंगे आपस में बांट लेंगे और इससे हमारी शादी भी हो जाएगी और फिर खर्चा भी चल जाएगा। 21/10 को ये लोग दोनों लोग रामनगर में भागीरथपुरवा एक शादी में गए थे, वहां पर एक किनारे एक इनको मोटरसाइकिल दिखाई दी खड़ी हुई थी, तो उसको इन लोगों ने वहां से चुरा लिया, चुरा करके घर ले आए और उसका नंबर प्लेट बदल दिया अपने घर पे। वो भी उससे मिलती जुलती जो मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उसका ही नंबर उन्होंने उस पर लगाया था, मैनिपुलेट किया और लगा करके उसको अपने यहां रख लिया। घटना के दिन दिनांक 24 तारीख को इन लोगों ने कोठरी गौरिया पुल पर इकट्ठे हुए दोनों, और उसके बाद वहां पे शराब पिया और प्रॉपर तरीके से लूट की योजना बनाई कि चूंकि एक बुजुर्ग व्यापारी है वो अपने झोले में ही सारा ज्वेलरी लेकर के जाते हैं शाम को बंद करके, और ये वल्नरेबल टारगेट है, इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया रेकी करके और उसके बाद उसको लूट का प्रयास करेंगे इस पे और वहां से लेकर के छीन करके आसानी से लेकर भाग जाएंगे। इस तरीके से इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया वहां और दारू पिया, उसके बाद आ करके ये लोग 4:30 बजे करीब बनी बाग होते हुए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप टिकैत नगर पे पहुंचे। वहां पे इन लोगों ने अपने मोटरसाइकिल पे 100-100 रुपए का पेट्रोल भराया और उसके बाद बाईपास पे जाकर के अपनी एक मोटरसाइकिल उन लोगों ने वहां पे खड़ी कर दी।
एक ही मोटरसाइकिल से दोनों सवार लोग आए और उसके बाद प्लानिंग में इतना भी इन लोगों ने ध्यान रखा कि चूंकि जैकेट हम वही पहन के जाएंगे तो पहचान में आ जाएंगे, तो इन लोगों ने जैकेट भी चेंज कर लिया, उसमें दूसरी तरफ से पहन लिया। और उसके बाद फिर ये करीब 4:45 बजे सुरेश चंद जी अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, घर पे जाने लगे, तो इनका लड़का दुकान बंद किया और ये झोला लेकर के आगे चले। वहां पे एक उसकी बतासे की दुकान थी, वहां से अपने नाथिन के लिए बतासा लेने लगे। बतासा लेकर के जब आगे बढ़े तो वहीं कॉर्नर पे ये दोनों अपराधी खड़े हुए थे जो इनकी रेकी कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही ये गली में मुड़े हैं वहां पे रुक करके रीसू वर्मा ने इनसे झोला छीन लिया और उसके बाद वो उत्कर्ष गाड़ी चला रहा था, उसके पीछे बैठ करके ये लोग मोटरसाइकिल लेकर के चले गए वहां से। फिर नहर पर जा करके इन लोगों ने ज्वेलरी के डिब्बे उस बैग से निकाल करके दूसरे बैग में रख लिए और जो डायरी वगैरह थी उसको वहीं जला करके नहर पे फेंक दिया। वहां से फिर ये लोग ला करके बैग को अपने घर में छुपा दिए, जहां से पूरे सामान की 100% सामान की रिकवरी हुई है। और उसके बाद अब दोनों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही, जेल भेजा जा रहा है। इनका अभी तक पता किया गया, ये जो रिशु वर्मा है वो कक्षा 7 का विद्यार्थी रहा है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, और उत्कर्ष जो है वो इंटर का विद्यार्थी, मतलब इंटर तक पढ़ा लिखा है, तो मतलब ये लोग कम ही पढ़े लिखे हैं लेकिन सातिर हैं, बहुत सातिर माइंडेड हैं। और आपराधिक इतिहास अभी तक इनका नहीं मिला है, फिर भी हम लोग पता कर रहे हैं, अन्य जनपद से भी और लोकल थाने से भी पता कर रहे हैं, लेकिन इनका अगर कोई मिलता है तो उसको भी